असंख्यात भव। अरे असंख्यात भव रहने पड़े तो भी उसे कष्ट नहीं है। क्यों कष्ट नहीं है? क्योंकि मुझे जिनेन्द्र भगवान की भक्ति मिल गई है। एक बार एक मुनिराज बैठे थे और वे मुनिराज उनके सामने से एक राजा आया और राजा निकल अगर रहा था, उन्हें नमस्कार किया। महाराज मैं भगवान के समो शरण में जा रहा हूँ। अच्छा एक काम करना। क्या करना? भगवान से पूछ कर आना कि जो मुनिराज यहाँ पेड़ के नीचे साधना कर रहे हैं इनको मोक्ष कब होगा। क्या पूछ के आना कि इनको मोक्ष कब होगा। वो गए और उन्होंने जाकर गौतम स्वामी भगवान से पूछा कि हे भगवान, मैंने रास्ते में जिन मुनिराज का दर्शन किया उन मुनिराज को मोक्ष कब होगा। भगवान कहते हैं जितने उस वृक्ष पर पत्ते हैं इतने वर्षों बाद उनको मोक्ष होगा। तो घबरा गए। कौन सुनने वाला उत्तर? अगर ये उत्तर मैंने जाकर बोला तो महाराज गुस्सा हो जाएंगे। भैया तू क्या कह रहा है, मैं इतनी साधना कर रहा हूं, इतनी बार इतना जन्म इतने साल कैसे संसार में व्यतीत करूंगा, पत्ते कोई गिनने में आ रहे क्या, कैसे मैं संसार में रहूंगा। उसको बड़ी उथल पुथल मच गई। लेकिन जैसे ही वो महाराज के पास पहुंचा और उसने महाराज को नमोस्तु किया तो महाराज ने पूछा क्या उत्तर लाए हो। महाराज उन्होंने कहा है जितने पत्ते पेड़ पर बाकी हैं उतने अभी वर्ष बाकी हैं या उतने भव अभी बाकी हैं। तो वे मुनिराज आनंद से मुस्कुराने लगे, बोले ये तो निश्चित हो गया कि मैं मोक्ष जाऊंगा। आनंद आनंद की बात है, एक ही बात है। कहने वाले का तरीका देखो, आनंद आनंद छा गया और उसको विकल्प हो गया कि भी इतनी जन्म बाकी है, इतनी भव बाकी है, इतनी वर्ष बाकी है। और वो कहते हैं कम से कम भगवान ने इतना कह दिया कि तू मोक्ष जाएगा, बस इतनी में मुझे आनंद है। इसलिए अब मुझे डर नहीं लगता कि कितने जन्म संसार में बाकी हैं, जितने होने हैं हो जाएं, बस मुझे सम्यक दर्शन बना रहे, मुझे जिनेन्द्र भगवान की भक्ति जन्मों जन्मों तक मिलती रहे। कहां भी जाऊं चला जाऊं विकल्प नहीं करता, बस भगवान की भक्ति बनी रहे, भगवान में भक्ति बनी रहे, आपका पवित्र शासन की छत्र छाया बनी रहे। मैं जहां रहूं बना रहूं बना रहूंगा। डरता नहीं है संसार से कि संसार में अभी मुक्ति हो जाए। अरे कोई बात नहीं, अभी मुक्ति ना भी हो तब भी वह संसार में रहकर आनंद मनाता है। किसका आनंद? भगवान की भक्ति का आनंद।